बरहरवा मां शीतला कामवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ताला मरांडी, बजरंगी यादव, उज्ज्वल मंडल, सुमन भगत का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मां शीतला कामवरिया सेवा शिविर कमेटी के सदस्यों ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ एवं माता का चुनरी देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित किया। इसके अलावा मुख्य द्वार पर फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। कमेटी के सदस्य बिक्की गुप्ता ने कहा कि हर साल शिव कांवरियों के लिए सेवा शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में कांवरियों के लिए शुद्ध खाना पीना एवं दवाई की व्यवस्था किया जाता है। पूरे राज्य में या बल्कि पूरे देश में अभी सावन, पवित्र सावन के मास में आदि गुरु शिव के भक्तगण हर जगह जलाभिषेक करते हैं और आप माँ उत्तरायण गंगा के तट पर बसा साहेबगंज जिला में खास करके शिववादी आपके भोले बाबा के जलाभिषेक करने के लिए जिले के सभी क्षेत्रों से शिव भक्त जाते हैं और वो तमाम भक्तों को हम प्रशासन से निश्चित तौर पर आशा और उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि भक्तों की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर, विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर यहाँ के प्रशासन इस पर ध्यान दे। साथ ही साथ जो यहाँ के माँ शीतला सेवा समिति के तरफ से जो माँ शीतला सेवा समिति कमरिया सेवा समिति के तरफ से जो एक सेवा शिविर लगाया गया है और इस शिविर के माध्यम से जो यहाँ समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण जो सेवा कर रहे हैं कांवरिया का, जो नींबू पानी या स्नान करने का व्यवस्था या जल देने, जल पिलाने का व्यवस्था या उनका जो इलाज की व्यवस्था करने का जो समिति किया है और हम सबों को जो आमंत्रित किया है, हम समिति के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके साहेबगंज जिले में दो ऐसे जगह है जहाँ पर किसी भक्तों ने जलाभिषेक करते हैं, एक शिवगादी और दूसरा महाराजपुर के मोती झरना में। और जिस तरह से श्रद्धालुओं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह का इस जैसे यहाँ आयोजन किया गया आयोजन कमेटी के द्वारा, तो मैं सभी आयोजक कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी पूरे जिले में इस तरह का शिविर लगाकर कांवरियों का जो सेवा किया जाता है, इसके लिए मैं सभी शिविर लगाने वाले आयोजकों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और जिला प्रशासन से हमारी ये आग्रह रहेगा कि पूरे जिले भर में दो जगह जिस तरह से जलाभिषेक किया जाता है बाबा भोलेनाथ का, और जिस तरह से कांवरिया, हमें जो जानकारी है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, प्रतिवेशी प्रदेश बंगाल से, बिहार से भी लोग आकर यहाँ जलाभिषेक करते हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे जिले भर में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं, चाहे राजमहल उत्तरवाहिनी गंगा तट से जल लेकर हो, चाहे साहिबगंज से भी जल लेकर महाराजपुर लोग आते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी जगह पूरे प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए और की जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।